हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे। इस पे मेरा नाम है मौली सिंह। मैं लोहे के गेट, ग्रिल, जाली, जंगला के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग जो लोहे के गेट जिनके बने हुए हैं उनको सभी को फेस करनी पड़ती है। और इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक को कवर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक ये है कि जैसे आपके पिलर जो हैं, कंक्रीट के जो पिलर हैं, उनमें अगर दरारें आ गई है तो इसका क्या करना है। अगर आप वन टाइम एक साथ इकट्ठा खर्चा नहीं करना चाहते, एक टेम्परेरी जुगाड़ आपको मैं बता दूंगा जिसकी वजह से कि आपको फिलहाल के लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कम खर्चे में आपको ये रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा, गेट सेट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है वो मैं बात करूँगा, रस्ट या जंग लगने से लोहे का गेट गल जाता है, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो उसका भी मैं आज कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन दबा के आल के बटन पे क्लिक कर दें। चलिए अभी हम आपको अंदर से पूरी जानकारी दे देते हैं। पहले इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करीब करीब 8-10 साल पहले ये गेट बना हुआ है, 8-10 साल पुराना है। तो जब ये गेट लगा था तभी से ये जो टूटी है ये यहीं पे लगी हुई थी, तभी से है ये। और आप इस साइड से देख सकते हैं, यहाँ से ये पाइप जो है जंग लगने से गल गया है। और दूसरी साइड और दिखा देता हूँ आपको, इसी पाइप के रास्ते से होते हुए पानी यहाँ तक आया और इसी इस पाइप को भी गलने में पानी और मिट्टी सहायक है। तो इसलिए अगर आपके घर में गेट के आसपास में पानी अगर नहीं है, कोई टूटी नहीं लगी हुई, कोई वॉशिंग एरिया नहीं बनाया हुआ, तो आपका गेट कैसे भी लोहे के पाइप का बना होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि यहाँ पे जो पिलर में दरारें आ जाती हैं और गेट जो हमारा है वो लटक जाता है, तो उसका सलूशन इन भाई साहब ने ये किया है कि इन्होंने यहाँ से पत्ती वेल्डिंग करके, यहाँ से पत्ती को ऐसे लंबी पत्ती खींच के ली है और यहाँ पर इन्होंने फास्टनर मार दिए हैं। 10 mm का फासनर 10-12 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। हमर ड्रिल से सुराख मार के यहाँ पे फासनर डाल देने और पिन ठोक देनी। अगर आपको फासनर नहीं लगाने आते तो फासनर कैसे लगाए जाते हैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्वारी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन जरूर दबाएं और आल के बटन पे क्लिक करें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट है ना? ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है। शुरू करते हैं। थोड़ा गलत हो। चलू हेलो दोस्तों, स्वागत है। इसी के बारे में आज का वीडियो, ये हम अभी शुरू करते हैं।